बिहार की राजनीति बदलाव के मूड में है और यहाँ की वर्तमान सियासत और उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या है, इसी को लेकर पटना से हमारे ब्यूरो चीफ एस के राजीव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से खास बातचीत की। बिहार की सियासत में कांग्रेस की एक बार फिर से बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी। झासा, फिलहाल तो चुनाव लड़ रहे हैं आप, क्या स्थिति है आपके कैंडिडेट की? बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ से काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है और हम लोग पूरे मुस्तैदी से हमारे महागठबंधन के जितने साथी हैं सभी के सहयोग से हम लोग चुनाव में काफी कंफर्टेबल स्थिति में। लेकिन जैसा महागठबंधन इंटैक्ट रहा कहाँ, चूंकि सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? ऐसी कोई बात नहीं है, अभी ठीक है, अंतिम तक जो होता है चुनाव के पोलिंग डे तक सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है और आप देख रहे हैं जो किसी में भी संवादहीनता नहीं है, संवाद हो रहा है, सभी लोग एक मंच पर हैं, वो चुनाव आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा। झा साहब, कहा यह भी जा रहा है कि मदन मोहन झा जी की यानी कि कांग्रेस की नजदीकियां नीतीश जी से काफी बढ़ रही है, ऐसी कोई मेरे हम ही मदन मोहन झा हमको ऐसी कोई स्थिति की जानकारी नहीं है जो मेरी नजदीकियां बढ़ रही है कि घट रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी बीजेपी और जदयू के बीच जो इस बीच में तल्खियां बढ़ी हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? उन लोग को आज के स्थिति में बिहार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाहे आप कहीं देखिएगा जो कॉमनल हारमोनी का सवाल हो, चाहे रेप का सवाल हो, चाहे डेंगू का सवाल हो, चमकी बुखार का सवाल हो, बिहार में जितना इशू है और जितना कठिनाई है, प्रॉब्लम है, हम समझते हैं आज के डेट में जो सरकार चला रहे हैं चाहे वो जदयू के हों चाहे बीजेपी के, उन लोग को मिलजुल के सरकार पर ध्यान देना चाहिए और आम लोगों का जो समस्या है जिसके चलते काफ़ी कठिनाई में है यहाँ की जनता, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, न कि आपस में लड़ भिड़ करके प्रशासन को खत्म करने का कोशिश करनी चाहिए। चलिए, मदन मोहन झा जी हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और झा साहब के शब्दों में बिहार की सियासत में फिलहाल अभी कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। पटना से इसके राजीव R9 TV।